नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है जोगी मारा की गुफाएं। अगर आप कला के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में हम जोगी मारा की गुफाओं से संबंधित ये पूरा टॉपिक आज कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जोगी मारा की गुफाओं का परिचय देखते हैं। तो जोगी मारा की गुफाएं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में नर्मदा नदी के किनारे रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। दोबारा देख लें, छत्तीसगढ़ राज्य में है, जनपद है सरगुजा और नर्मदा नदी के किनारे है और पहाड़ी का नाम है रामगढ़। तो जोगी मारा की गुफाएं रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित हैं और यहीं पर अमरनाथ या अमरकंटक नामक धार्मिक तीर्थ स्थल भी स्थित है। यहाँ पर प्राप्त रामगढ़ मंदिर की शैली भुवनेश्वर स्थित मंदिरों की शैली के समान है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न तैयार हो रहा है कि जो सरगुजा भुवनेश्वर में जो मंदिर हैं उनकी शैली और रामगढ़ मंदिर की शैली, ये दोनों एक जैसी हैं। यहाँ से राम, लक्ष्मण और सीता इनकी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। समय मार्शल महोदय के अनुसार जोगी मारा के चित्रों का समय 1000 BC जितना प्राचीन है, मतलब पुराना है। इससे संबंधित डॉक्टर ब्लॉक कहते हैं कि इस गुफा के चित्र 300 BC जितने प्राचीन हैं, जबकि विंसेंट स्मिथ इन गुफाओं के समय के बारे में कहते हैं कि इस गुफा के चित्र प्रथम शताब्दी यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के नहीं हो सकते। असित कुमार हल्दर ने जोगी मारा में कुल 7 दृश्यों का उल्लेख किया है और अन्य लोगों ने 8 दृश्य बताए हैं। यहाँ आपका एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि असित कुमार हल्दर ने जोगी मारा की गुफाओं के कितने दृश्य बताए हैं। तो उन्होंने तो 7 दृश्य बताए हैं, लेकिन अन्य विद्वानों ने कितने बताए? अन्य विद्वानों ने 8 दृश्यों की चर्चा की है। अब प्रभाव देखते हैं। डॉक्टर ब्लॉक महोदय जोगी मारा की गुफा चित्रों को ग्रीक या यूनानी कला से प्रेरित मानते हैं, मतलब इन गुफाओं में यूनानी या ग्रीक प्रभाव दिखाई देता है डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार। जबकि डॉक्टर राय कृष्णदास का कहना है कि इस गुफा के चित्र जैन धर्म से प्रेरित हैं, अर्थात इनमें जैन शैली का प्रभाव है। डॉक्टर हीरालाल के अनुसार जोगी मारा के चित्र बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन असित कुमार हल्दर कहते हैं कि इस गुफा के चित्र रामगढ़ मंदिर में रहने वाली देवदासियों से प्रेरित हैं। तो अलग अलग विद्वान इनमें अलग अलग प्रभाव बताते हैं, तो ये आप एक एक करके याद कर लें। अब गुफाओं की स्थिति। जोगी मारा और सीता बोंगरा में दोनों गुफाएं पास पास स्थित हैं। सीता बोंगरा ये एक प्रसिद्ध प्रेक्षागृह या नाट्यशाला थी जिसमें सुतनुका नामक एक देवदासी थी, वो नृत्य किया करती थी। इस गुफा की माप 30x15x8 के आकार में थी। इस गुफा के समीप यानी पास में जोगी मारा की गुफा स्थित है और इसकी मौत, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मौत लग गया है, वहाँ माप शब्द है तो टाइप करने में थोड़ा सा गलती हुई है। तो जोगी मारा की जो गुफा है इसकी माप
10 × 6 × 6 फीट की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो अनुपात 5:3 का है, अर्थात 5:3 का है। यह गुफा सुतनुका नामक देवदासी का आवास गृह थी, मतलब वो यहाँ पर निवास करती थी, निवास स्थान था सुतनुका दासी का। लिपि का ज्ञान होने के बाद इस गुफा को वरुण देवता का मंदिर जाना जाने लगा। मतलब यहाँ से आप ये भी याद रख लें कि ये जो जोगी मारा की गुफा है इसको वरुण देवता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी गुफा में छतों पर कई उत्कृष्ट चित्र मिले हैं। कला का इतिहासकारों का मानना है कि जोगी मारा गुफा से भारत में भित्ति चित्रण का श्री गणेश, ये भित्ति ये गलत लिखा हुआ है, टाइप करने में कहीं कहीं गलती हुई है, तो ये द्वितीय की जगह पर आप भित्ति चित्रण इसे याद कीजिए। तो कला इतिहासकारों का मानना है कि जोगी मारा की गुफाओं से ही भारत में भित्ति चित्रण का श्री गणेश हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण तैयार होता है कि भारत में गुफा चित्रों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जोगी मारा की गुफाओं से ही भित्ति चित्रों की शुरुआत हुई है। जोगी मारा गुफा के चित्र अजंता भित्ति चित्रों की शुरुआत के या पूर्वगामी हैं, या तो उनकी शुरुआत के हैं या अजंता की गुफाओं से भी पहले के हैं, ऐसा माना जाता है विद्वानों के अनुसार। सीता बोंगरा जो एक नाट्यशाला थी, ये भी एक गुफा है। इसके विषय में डॉक्टर ब्लॉक अपने मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इस नाट्यशाला का निर्माण ग्रीक या यूनानी पद्धति में हुआ है। कौन सी गुफा का निर्माण हुआ है ग्रीक और यूनानी पद्धति में, तो ये हुआ है सीता बोंगरा का। ठीक है, सीता बोंगरा एक नाट्यशाला थी। डॉक्टर ब्लॉक कहते हैं कि ये इसमें ग्रीक और यूनानी पद्धति में इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय कला विद्वानों का मत है कि यशोवर्मन के काल में, जो राजा यशोवर्मन हुए हैं उनके काल में भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितमानस का मंथन इसी नाट्यशाला में हुआ था। जो बोंगरा शब्द है इसका स्थानीय भाषा में, जो वहाँ की भाषा है, इसका जो अर्थ है वो है बंगला, अर्थात बोंगरा मतलब बंगला। अनुकृति, किस किस कलाकार ने इसकी अनुकृतियाँ बनाई, यहाँ से भी आपके प्रश्न तैयार होते हैं। मैंने एक एक टॉपिक को हेडिंग वाइज आपके लिए तैयार किया है जिससे कोई भी चीज़ छूट ना जाए। और ये वीडियो आपके लिए अगर लाभकारी है, आपको पसंद आ रहा है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला के विद्वान कलाकार स्वर्गीय असित कुमार हल्दर एवं क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता और इनके अलावा समरेंद्रनाथ गुप्ता, इनके द्वारा सन 1914 में जोगी मारा के गुफा चित्रों की अनुकृतियां बनाई गई। कब बनाई गई, 1914 में। किसने बनाई, तो असित कुमार हल्दर, क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता और समरेंद्रनाथ गुप्ता, इन तीनों ने 1914 में जोगी मारा के गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। इस अन्य कृतियों में, इन अनुकृतियों में सर्वाधिक सुरक्षित एवं उत्कृष्ट 7 दस्युओं का असित कुमार हल्दर जी ने विवरण दिया। अस्तित्व की जगह पर असित कुमार हल्दर है। तो असित कुमार हल्दर जी ने 7 दृश्यों का विवरण दिया है। इसमें पहला दृश्य, पहले दृश्य में जोगी मारा के पहले दृश्य में एक तालाब का चित्रांकन किया गया है। इसमें लहरदार रेखाओं के माध्यम से जल को दिखाया गया है तथा तालाब में
एक सील मछली जो संभवतः एक मगरमच्छ है को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त तालाब में एक हाथी का भी अंकन किया गया है। यह तालाब का दृश्य भारतीय पौराणिक कथा गजगह से प्रेरित है। अभी दूसरा दृश्य समझिए। जोगी महाराज के दूसरे दृश्य में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई कुछ मानव आकृतियों का अंकन है, जिसमें वृक्ष के तने को सरल एवं मोटे आकार में दिखाया गया है। साथ ही उसमें तीन या चार राजाओं को दिखाया गया है, जिसमें दो पत्तियां लगी हुई हैं। जो पेड़ बनाया है उसमें दो पत्तियां बनी हुई हैं। पूरा वृक्ष लाल रंग से ही बनाया गया है। जोगी महाराज के तृतीय दृश्य में एक सफ़ेद धरातल पर गहरी काली रेखाओं के माध्यम से एक बाग का दृश्य बनाया गया है, मतलब एक बगीचे का दृश्य बनाया गया है। इसमें लाल रंग के कुदमनी के फूल के ऊपर एक प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। तो एक बाग का दृश्य है, इसमें एक फूल के ऊपर एक प्रेमी युगल जो नृत्य करते हुए बताया गया है, ये किस दृश्य में है? तो ये आप याद रखिएगा, तृतीय दृश्य में है ये। चौथा दृश्य, चौथे दृश्य में अनुपात रहित, मतलब कोई अनुपात नहीं है, बिना अनुपात के ही आकृतियां बनाई गई हैं, मानव आकृतियों का अंकन किया गया है। इसमें एक व्यक्ति के सिर पर चोंच दिखाई गई है। ध्यान रखिएगा, चौथा दृश्य है और चौथे दृश्य में एक व्यक्ति का चित्र है जिस पर चोंच दिखाई गई है इसके सिर पर। विंसेंट स्मिथ के अनुसार यह चित्र सांची एवं भरत के बने चित्रों से संबंध रखते हैं। भरत और सांची के स्तूपों से संबंध किसने बताया है? विंसेंट स्मिथ ने बताया है। इसके आधार पर पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि जोगी मारा गुफा के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के नहीं हो सकते। अलग अलग विद्वान अलग अलग इनके बारे में बात करते हैं। पांचवा दृश्य, पांचवा जो दृश्य है इसमें एक स्त्री को बताया गया है। संभवतः वह एक नर्तकी है और वह लेटे हुए पोजीशन में उसे दिखाया गया है। उसी के आसपास मानव आकृतियों का भी अंकन किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को पालती मारे नग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पांचवा दृश्य हो गया और तीन मानव आकृतियों को खड़े हुए दिखाया गया है। यह चित्र अजंता की प्रारंभिक गुफाओं से प्रेरित लगते हैं। छठवां दृश्य, छठवें दृश्य में रथों एवं चैत्यों का चित्रण किया गया है। सातवें दृश्य में ग्रीक रत्नों के समान भवन दिखाए गए हैं। रत्न नहीं है यहाँ पर, रथ है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीक रथों के समान भवन दिखाए गए हैं। विशेषताएं, जोगी महाराज में चित्र छतों पर बने हुए, पहली विशेषता। जिनकी पृष्ठभूमि हर स्थान पर सफ़ेद रंग से बनाई गई है। धरातल, इन चित्रों का जो धरातल है वो कैसा है? तो समतल एवं खुरदरे दोनों प्रकार के धरातलों का प्रयोग जोगी महाराज की गुफाओं में किया गया है। रंग वगैरह की बात कर लें, वर्ण विधान क्या है, तो जोगी महाराज में खनिज एवं वनस्पतिक दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें सफ़ेद, लाल, पीला, ये खनिज रंग है, याद रखिएगा। सफ़ेद, लाल और पीला ये खनिज रंग है एवं काला रंग हर्रे नामक एक वनस्पति से प्राप्त किया जाता था। रेखांकन एवं सीमा रेखाएं, एक एक टॉपिक मैंने इस वीडियो में आपके लिए रखा है, कोशिश की है कि कहीं से कुछ भी छूट ना जाए। तो जोगी महाराज में चित्रों के दो स्तर प्राप्त होते हैं। प्रथम स्तर में रेखांकन लाल रंग से किया गया है, जबकि द्वितीय स्तर में रेखांकन काले रंग से
किया गया है। साथ ही साथ मानव आकृतियों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है तथा कहीं कहीं पर चित्र की सीमा रेखाएं काले रंग द्वारा भी बनाई गई हैं। जोगीमारा में आँखों एवं बालों को क्रमशः सफ़ेद, काले एवं काले रंगों द्वारा बनाया गया है। चित्र अनुपात रहित मानव आकृतियों का अंकन जोगीमारा की गुफाओं में है, जो अपनी निजी विशेषता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि अनुपात रहित मानव आकृतियाँ कहाँ बनी हैं, तो वे जोगीमारा की गुफाओं में ही बनी हैं। भरत एवं सांची के अर्धचित्रों से संबंध रखते हैं जोगीमारा के चित्र। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा के चित्रों की तुलना जोगीमारा के चित्रों से की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से आपके लिए तैयार हो रहा है कि 9वीं और 10वीं गुफा है जो अजंता की है, उसका उसकी जो तुलना है, उसका जो संबंध है, वो जोगीमारा के चित्रों से की जाती है। हाशिए कैसे बने गए हैं? जोगीमारा के चित्रों के चैनलों के विभाजन हेतु पीले रामरज नामक रंग का प्रयोग किया गया है। तो मतलब हाशिए पीले रंग के रामरज से बनाए गए हैं। रामरज एक खनिज रंग होता है। अब लास्ट में जोगीमारा की गुफाओं से संबंधित टिप्पणी देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जोगीमारा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया। नीले रंग का प्रयोग अजंता में छठवीं सदी ईस्वी में दूसरी गुफा के चित्रों में प्रयोग किया गया था। बाद में चौथी और पांचवीं सदी में नीले रंग का विशेष रूप से प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन जोगीमारा में कहीं भी नीले रंग का प्रयोग नहीं है। नीला रंग भारत में ईरान से आयात किया जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। भित्ति चित्र कला की शुरुआत भारत में सबसे पहले जोगीमारा के गुफा से ही मानी जाती है, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ। प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य जोगीमारा से ही प्राप्त में होते हैं। तो ये आपका जोगीमारा की गुफाओं से संबंधित पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इतना आप याद कर लेते हैं, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, जहाँ ज़रूरत है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जोगीमारा की गुफाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर बनता है और किसी भी एग्जाम में हो, आपका छूटेगा नहीं, इतनी मुझे उम्मीद है। तो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ, और चैनल मेरा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।